मेरा नाम दुर्गेश चौधरी है, मैं राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज़ श्रद्धांजलि मेहता, आई एम फ्रॉम झारखंड रांची। हेलो, माय नेम इज़ कोमल पटेल, आई एम फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सेपरेट कैंपस इज हियर, क्योंकि यहाँ पे रैगिंग की चांसेस फिर कम हो जाती है बिकॉज सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे ही यहाँ पे प्रेजेंट है, सीनियर्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड मेन चीज़ होती है जो बच्चों के दिमाग में डाउट होता है यहाँ आने से पहले कि MCI का क्या करना है, लाइक वहाँ पे अलग कंट्री है, अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है या नहीं, या फिर हमारे इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा वहाँ पे है या नहीं। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ वैसी ही है, थोड़ी बहुत डिफरेंट मान सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत डिफरेंट की भी हम बात करें तो हमारा मेन मोटिव होता है MCI। तो यहाँ पे MCI के लिए हमें अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, वो भी इंडिया के जो बेस्ट रिकमेंडेड टीचर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, लाइक आज़म सर, सलमान सर, रंजन सर, जो कि टॉप फैकल्टीज़ माने जाते हैं इंडिया के, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको प्रीफर करते हैं, उनको स्पेशली यहाँ बुलाया जाता है हमारी MCI क्लासेस के लिए। ज़्यादातर फॉरेन आने के बाद पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि बच्चे वहाँ पर क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे। तो खाने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंडियन मेस है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग सेपरेट सर्व होता है, बच्चे को जो खाना प्रीफर करता है वो वेज खा सकता है, नॉन वेज खा सकता है। उसके अलावा हॉस्टल में हर एक फ्लोर पर अपना अपना किचन दिया हुआ है जिससे बच्चे खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फूड और खा सकते हैं जैसा उनको अच्छा लगे। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे रिनाउंड रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, उप्स कैफ़े और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कैफ़े यहाँ पे अवेलेबल है, जो अगर बच्चे ना तो बाहर से खाना चाहते हैं तो वो बाहर से खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रोसरी ख़रीदने के लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े सुपरमार्केट है, जैसे ग्लोबस हुआ, नरोदनी है, यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी मसाले वगैरह और ग्रोसरी के जैसे ब्रेड हुआ, केक हुआ, और काफ़ी सारे जो इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी यहाँ पर भी मिल जाती है। यहाँ का ना सबसे पहले यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का, फिर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। यहाँ डेली के डेली स्टडी करनी होती है, मॉड्यूल होते हैं, वैसे इंडिया में जैसे भाई एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले पढ़ लेते हैं तो अपना हो जाता, पर यहाँ डेली के डेली स्टडी करनी पड़ती है और उनको मॉड्यूल को देना भी होता है। उसके बाद यहाँ रशियन पढ़ाई जाती है तो रशियन भी बहुत ही आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, रशियन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, और यहाँ मेनली स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में ही करवाई जाती है। और फिर यहाँ का हॉस्टल है तो हॉस्टल इज़ बहुत ही बेस्ट है, यहाँ का साफ़ सफाई वगैरह बहुत ही अच्छी है, और फिर मेस है तो मेस भी मतलब कैंपस के अंदर ही मेस है, तो जैसे मैं फुली वेजिटेरियन हूँ तो मुझे भी फुली वेजिटेरियन खाना भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, और यहाँ इंडियन कुक खाना बनाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर जैसे सिटी में जाते हैं तो सिटी में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं तो वहाँ भी अपने को बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता है, इंडियन फूड वगैरह। फिर यहाँ स्पोर्ट्स की बात आई तो कॉलेज में बहुत ही स्पोर्ट्स, इंडिया के कंपेरिजन में यहाँ बहुत ही स्पोर्ट्स को ज़्यादा बहुत ही अच्छे से महत्व दिया जाता है, और यहाँ जैसे कोई अपने आवश्यकता के लिए छोटी मोटी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ सुपर मार्केट और छोटी मोटी शॉप होती है तो यहाँ से सामान बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।